अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको ये ज़बरदस्ती पापड़ी चाट बनाना सिखाऊंगी। सब कुछ जो है रेडी होगा आपके पास, आलू चने वगैरह वगैरह, तो अपने इस तरह करके इसको डेकोरेट कर लेना है, इस तरह इसको जो है इसके अंदर लेयर्स बना लेनी है और आपको ये चाट ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो चलते हैं शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो व्यूवर्स, ये हमने ले ली है अपने चने और आलू दोनों उबाल लिए हैं अच्छे से, और उसके बाद मैंने लेनी है 3 से 4 टमाटर और साथ 3 से 4 जो है प्याज ले लिए हैं, जो है इनको मैंने अच्छे से काट लिया है प्याज को भी, और 4 से 5 मिर्चें ले ली हैं हरी मिर्चें, और साथ ही मैंने जो है अपनी ग्रीन चटनी ले ली है, पुदीने वाली चटनी जो होती है, और साथ ही अपनी होम मेड जो है इमली की चटनी ले ली है। अब हम इसको बनाते हैं चाट, साथ दही भी ले लिया इसको फेंट लिए। तो अब आप अपनी जो है चना और आलू मैं इसके अंदर डालती हूँ, तो इसके अंदर मैंने ये सब कुछ डाल लिया। अब अंदर डालेंगे नमक और मिर्चें, आपने डालनी है हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, जितना आप चाहते हैं आप उतना डाल सकते हैं, मैं जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूंगी। स्प्रिंकल करके हम डालेंगे, और साथ ही जो है अपनी रेड मिर्चें भी डाल लेते हैं अपनी। फिर साथ चाट मसाला पाउडर जो होता है वो भी डाल लेते हैं। सब कुछ आपने अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग लेना है, फ्लेवर के अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहते हैं उतना लेते हैं ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपनी जो है ग्रीन चिलीज जो हमने कट कर ली है थोड़ी सी, वो डाल ली, और उसके बाद हमने अंदर डाल लिए प्याज जो है हमारे, डाल लिया प्याज हमने, और अब हम डालेंगे टमाटोज। कलरफुल होगी तो ज़्यादा मज़े की लगेगी, पहले सबसे पहले हमारी आंखें खाती हैं हर चीज़ को। अब अंदर डाल लेते हैं पापड़ी जो है, ये होममेड पापड़ी है, मैंने घर पे बनाई है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे नीचे बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर 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 दे दूँगी। और अब हम डालेंगे अपनी इमली की चटनी होममेड जो है हमारे पास, ये भी आपने हस्बे ज़रूरत ले लेनी है इसकी, मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर नहीं की तो, वरना शायद पहले कर दूँ आपको। ये भी आपने हस्बे ज़रूरत ले ली, और साथ अपनी ग्रीन चटनी जो है वो भी हम लोग डाल लेते हैं। इमली की चटनी हमारी जो है बहुत ही थिक सी बनाई हुई है मैंने, तो ये सब कुछ डाल लिया। अब हमने अपनी जो दही है वो डालनी है, दही नहीं डालनी अभी, हमने अपनी दूसरी लेयर लगानी है इसके ऊपर चनों और आलुओं की, वो मैं लेयर लगाती हूँ, चने और आलू डालती हूँ सिर्फ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो अब मैंने दूसरी लेयर लगा ली अपने आलू और चनों की, तो मैंने ये दही फेंटी हुई अच्छी सी फेंट ली थी दही, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लिया था ताकि जो है इसका फ्लेवर मज़े का रहे। जितनी भी आपने डालनी है आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही डालूंगी। ठीक है, डाल ली दही हमने। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से फिर से वही सारी सेम लेयर्स हमने रिपीट करनी है, जैसे प्याज की लेयर थोड़ी सी प्याज डाल लेते हैं अंदर ताकि इसको प्रेजेंटेबल बनाए ना। तो जी ये हमारे प्याज चले गए, और साथ मसाले भी हम लोग डाल लेते हैं अपने सारे मसाले उसी तरह डाल लेते हैं, वही जो है नमक मिर्चें और जो है चाट मसाला, सिर्फ यही मैंने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, मैंने कहा ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को भरने से जो है चीज़ की मज़े की नहीं लगेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी जो चटनियाँ हैं चटनी डाल लेते हैं थोड़ी सी, पहले अपनी थोड़ी सी दही डालते हैं ताकि जो है ये थोड़ा सा प्यारा सा कलर आ जाए, वाइट वाइट सा हो जाए सब कुछ। ये अपनी दही गई हमारी, और अब हमने जो है अपनी चटनी डाल लेनी है, मीठी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो है हमारी वो डाल ली हमने। सब कुछ अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ही आप डालेंगे, और ये हमारा जो है पुदीने की चटनी जो होती है जो हरी चटनी है ये हमने डाल ली ये भी, और उसके बाद अब हमारी रह गई है पापड़ी, पापड़ी भी अपनी डाल लेते हैं साथ ही, अपनी साइडों पर पापड़ी डाल लेते हैं अपनी। नाइस लेयर ऑफ पापड़ी,
पापड़ जो होता है ना, और जो है थोड़ी सी और ले लेते हैं, थोड़ी सी और पापड़ डाल लेते हैं। ये हमने डाल दी पापड़ी सारी की सारी। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है, वो एक चीज़ है, बोनस चीज़ है। हमने जो है अपनी खजूरें जो होती हैं वो छोटी छोटी कट करनी थी, छोटी छोटी कट करनी थी, वो थोड़ी सी डाल लेते हैं अंदर ताकि मज़े का फ्लेवर आ जाए। बस ये रही हमारी होममेड पापड़ी चाट जो मैंने बनाई है। मेरे मैं जो जिस तरह बनाती हूँ मेरे तरीके से, आपके तरीके से शायद और हो, लेकिन आज मैंने इस तरीके से बनाई है आपके लिए, अपने तरीका आपके साथ शेयर किया। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और दुआ दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।